2023 में काफी व्यस्त रहने के बाद भारत के स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन स्पेस सेंटर पर खामोशी का मतलब ये नहीं है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम इनएक्टिव हो गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली उतारने के बाद से बहुत कुछ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी और आज विन फर्स्ट के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 के बाद से भारत का स्पेस प्रोग्राम क्या कर रहा है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की एक्टिविटीज पर नजर डालेंगे, जिसमें पिछले साल की मुख्य बातें मिशन रोडमैप, गगनयान, NGLV और निजी मिशन शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल यानी 2023 की मेजर अचीवमेंट्स की। आदित्य L1, भारत ने अपनी चंद्र सफलता के बाद 2 सितंबर 2023 को अपने सोलर साइंस मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग इसरो के मेन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर मिशन का सबसे आसान हिस्सा था। स्पेसक्राफ्ट ने 6 जनवरी 2024 को L1 पहले पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक कक्षा में जाने के लिए कई बार युद्धाभ्यास किए। इसने 2 जुलाई 2024 को L1 के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा पूरी की। इस दौरान मई 2024 में जमीन पर ऑब्जर्वेटरीज एंड लॉन्च ऑर्बिट में अंतरिक्ष यान के साथ मिलकर एक सोलर स्टॉर्म का अध्ययन किया। अब बारी गगनयान TVD1 की। इसरो ने अपने टेस्ट व्हीकल को बनाने के लिए मॉडिफाइड L14 डेवलपमेंट इंजन का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को अपने गगनयान यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के हिस्से के रूप में पहला निरस्त मिशन करने के लिए किया। इस मिशन ने क्रू एस्केप सिस्टम की टीवी से अलग होने, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित जगह पर ले जाने और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षण के लास्ट में क्रू मॉड्यूल को भारतीय नवल शिप INS शक्ति द्वारा बरामद किया गया। अब बात करते हैं एक्सपोसैट की। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने एक्सरे पॉलीमिट्री सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट के लॉन्चिंग के साथ नए साल का जश्न मनाया। ये सैटेलाइट स्टडी करेगा कि रेडिएशन किस तरह पोलराइज्ड होता है और इस तरह अंतरिक्ष में रेडिएशन के अलग अलग सोर्सेस के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन गेन करेगा। यह नासा के इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर यानी IPEX के बाद दूसरी ऐसी अंतरिक्ष पर बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट पर मौजूद दो उपकरण जिन्हें XSPECT और POLLUX कहा जाता है, 5 और 10 जनवरी को लॉन्चिंग के बाद काम करना शुरू कर दिया गया। अब बात करते हैं INSAT-3DS की। इसरो ने 17 फरवरी को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के जरिए वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट INSAT-3DS लॉन्च किया। यह मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी NISAR मिशन से पहले व्हीकल की विश्वसनीयता साबित करने के लिए जरूरी था, जिसे अब 2025 की फर्स्ट क्वार्टरली में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। GSLV के इस वर्जन ने पहले 2023 में NVS-1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। अब बात करते हैं RLVTD की। इसरो ने 22 मार्च और 7 जून को कर्नाटक के चल्लकेरे में अपने एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में दो लैंडिंग प्रयोग LEX-2 और LEX-3 करने के लिए पुष्पक नाम के रिज्यूएबल प्रोजेक्शन व्हीकल के डाउन स्केल वर्जन का इस्तेमाल किया। परीक्षणों ने चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक व्हीकल को गिराकर स्पेस से लैंडिंग की सिचुएशन का इमुलेशन यानी अनुकरण किया, जबकि LEX-2 ने पुष्पक को उसके लैंडिंग पथ पर गिराया, LEX-3 ने इसे 500 मीटर तक एक तरफ कर दिया। इन परीक्षणों की सफलता ने इसरो को ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी OREX पर आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया। अब बात करते हैं SSLV की। 16 अगस्त को इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV की तीसरी और अंतिम उड़ान शुरू की, जिसमें EOS-08 और SR-0 डेमोसैट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया। लगातार दो सफल परीक्षण उड़ानों के साथ इसरो ने SSLV के एवोल्यूशन को फुल्ली डिक्लेयर कर दिया और इसके ट्रांसफर को हरी झंडी दे दी। अब बात करते हैं इसरो के रोडमैप की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के बाद इसरो रिसर्च को प्रायोरिटी दे रहा है। दिसंबर 2023 में इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने गगनयान के लिए 2047 तक यानी 25 साल का रोडमैप डिक्लेयर किया। यह 2040 तक चंद्रमा पर इंडियन लैंडिंग के तौर पर लूनर एक्सप्लोरेशन रोडमैप से जुड़ता है।
एस सोमनाथ ने चंद्र अन्वेषण का रोड मैप भी साझा किया, जिसमें चंद्रमा पर भारत के अलावा एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, अ लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू द लूनर सरफेस, नासा के लूनर गेटवे के साथ डॉकिंग, लूनर सरफेस पर हैबिटेशन का निर्माण शामिल है। अब बात करते हैं गगनयान की। इन दिनों इसरो का प्राइमरी फोकस अपने एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स या गगनयात्रियों को अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर एडवांस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे, जिसके बाद उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरेगा। यहां शुभांशु शुक्ला के होने की संभावना है, जबकि नायर उनके नामित बैकअप होंगे। इस मिशन की ऑपरेटिंग एक प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा की जाएगी, जिसमें नासा और स्पेस एक्स के लॉन्च व्हीकल और क्रू कैप्सूल से इनपुट लिए जाएंगे। यह उड़ान 2025 के लिए डिटरमाइन की गई है। इसरो ने ऐतिहासिक मानव युक्त उड़ान से पहले अपने परीक्षण व्हीकल का इस्तेमाल करके कम से कम 4 और निरस्त परीक्षण करने की योजना बनाई है। पहला मानव रहित गगनयान मिशन 2024 के अंत में उड़ान भरने की उम्मीद है। एस सोमनाथ के रोड मैप में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS नामक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना भी शामिल है। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान, चूंकि भारत BAS और फुल मून प्रोग्राम दोनों का डिजायर रखता है, इसलिए उसे एक नए लॉन्च व्हीकल की जरूरत है, जो PSLV या GSLV रॉकेट की तुलना में हर लॉन्च में भारी पेलोड ले जा सके। यह इसरो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस शिव कुमार के लीडरशिप में एक टीम गठित की, जिसने फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स सहित NGLV के लिए फंडिंग एंड डिटेल्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की गई थी। इसरो ने NGLV को 3 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल बनाने की योजना बनाई है, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होगा। NGLV के तैयार हो जाने के बाद इसरो GSLV का इस्तेमाल जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है। दूसरी ओर PSLV का निर्माण पहले से ही लार्सन एंड ट्रूबो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक प्राइवेट संघ द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तब तक इसरो LVM3 रॉकेट के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने पर काम कर रहा है। इसकी लॉन्च क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 और 21 मई को इसने महत्वपूर्ण मील के पत्थर में इंजन के प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट ऑर्टिकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब बात करते हैं कि NSIL मिशन क्या है। इसरो रिसर्च पर फोकस कर रहा है, क्योंकि NSIL को मिशनों का संचालन करने और वाणिज्यिक गतिविधियों की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। 1 मई को इसरो ने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा और प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी वाणिज्यिक एक्टिविटीज को NSIL को सौंप दिया। NSIL ने GSAT-20, GSAT-N2 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए SpaceX के साथ एक समझौते पर साइन किया, जो इसका दूसरा डिमांड ड्रिवेन सैटेलाइट है। LVM3 प्रेजेंट में 4,700 टन की मशीन को लॉन्च करने में कैपेबल नहीं है। SpaceX द्वारा अगस्त 2024 में फ्लोरिडा केप कैनावेरल से इसे लॉन्च करने की उम्मीद है। 10 मई को NSIL ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से LVM3 के उत्पादन के लिए क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भी किया, और SSLV को प्रक्षेपित करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ एक डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर किया। अब बात करते हैं प्राइवेट स्पेस मिशन की। प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस ने 21 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित अपने लॉन्च पैड से अपने सॉर्टेड 01 क्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। यह इंडिया अर्थ से अपने फर्स्ट स्टेज के रूप में हाफ क्रायोजेनिक इंजन द्वारा ऑपरेटेड क्राफ्ट की पहली लॉन्चिंग थी। स्काई रूट एरोस्पेस अपने लॉन्च क्राफ्ट विक्रम 1 के लॉन्चिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसने पहले मई और जुलाई 2024 के बीच अपने ठोस ईंधन इंजनों का दबाव परीक्षण किया था, और 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से विक्रम S नाम के
एक परीक्षण व्हीकल को लॉन्च किया था। ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने 1 जनवरी को PSLV-C58 मिशन के चौथे और अंतिम चरण पर अपने प्रयोग किए। इस मिशन में चौथे चरण ने खुद को एक छोटे उपग्रह में बदल लिया, जिससे उस पर मौजूद पेलोड को अपने अध्ययन करने के लिए एक परिक्रमा मंच मिल गया। अब बात कर लेते हैं इन स्पेस की। पिछले साल यानी साल 2023 में भारत के नए अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस ने कई उल्लेखनीय नीतिगत अपडेट और लाइसेंस जारी किए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसने 3 मई को स्पेस एक्टिविटीज के प्राधिकरण के लिए मानदंड, दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की। इसने 21 नवंबर 2023 को यूटेलसैट वनवेब को देश का पहला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस भी दिया और 15 जुलाई को ध्रुव स्पेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में ग्राउंड स्टेशन के लिए पहला लाइसेंस भी प्रदान किया। आखिरकार 21 फरवरी को भारत सरकार ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI नीति में अमेंडमेंट कर दिया, जिसके तहत सैटेलाइट निर्माण और संचालन में 74% की लिमिट और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में 49% की सीमा को छोड़कर सभी स्पेस और स्पेस फ्लाइट एरियाज में 100% डायरेक्ट FDI की परमिशन दे दी गई है। इंडियन स्पेस के इन कामों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।